हिमाचल प्रदेश में नागरिक संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस मैदान में आ गई है। हिमाचल युवा कांग्रेस प्रदेश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी, जिसकी शुरुआत नाहन से की गई है। नागरिक संशोधन कानून के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष मनीष ठाकुर की अगुवाई में मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि देश पर काला कानून थोपने की कोशिश मौजूदा सरकार द्वारा की गई है। बीजेपी के कुछ नेता संविधान को बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को पीटा गया वह बेहद निंदनीय है, जिसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश में अब गृह युद्ध जैसे हालत पैदा हो गए हैं, जिसके लिए सीधे तौर पर मौजूदा सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि देश में रह रहे लोगों से नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, मगर दूसरी तरफ से बाहरी देशों से लोग आएंगे, उनके सरकार खुद प्रमाण पत्र बनाएगी। उनका कहना है कि मुस्लिम लोगों को अलग नजरिए से देखना भी गलत है, क्योंकि देश को बनाने में मुस्लिम नेताओं के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस का कहना है कि असल मुद्दों से आज लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। देश मंदी की मार झेल रहा है और महंगाई बढ़ रही है, और मगर इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। युवा कांग्रेस के आह्वान पे सभी कांग्रेस के युवा और छात्र साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो देश के अंदर माहौल आजकल चल रहा है, जिस तरह से दमनकारी सरकार दिल्ली में बैठी है, जिस तरह से पूरे देश के छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है लाठी चार्ज करके, विशेषकर मैं कहना चाहूँगा जामिया विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरह से छात्र छात्राओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार दिल्ली पुलिस कर रहा है, उसके विरोध में सभी पूरे देश के युवा और छात्र और पूरी कांग्रेस पार्टी जो उनका साथ देने के लिए आज हम भी यहाँ पर मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, और इस सरकार के खिलाफ दमनकारी नीतियों के खिलाफ हमारा आंदोलन अब शुरू हो चुका है, और इसका ये अब ये निर्णायक लड़ाई जो है केंद्र सरकार के साथ लड़ी जाएगी, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था से लेके देश में जो काले कानून लाए जा रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी हर कदम पे हर दिन रात जो है युवाओं के साथ, अपने छात्र छात्राओं के साथ जिन पे अत्याचार हुआ है उनके लिए संघर्ष जारी करेगी, उनका उसके लिए उनके सरकार का विरोध जारी रख। देखिए, आप देख रहे होंगे जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जब CAB को लेकर वहाँ के विश्वविद्यालय के जो छात्र थे उन्होंने एक लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताया था, और पुलिस ने किस तरह से अंदर घुसकर कैंपस में वहाँ पर और लाइब्रेरी में अंदर जाकर इतनी बर्बरतापूर्ण वहाँ छात्रों को और छात्राओं को पीटा, ये बड़ी शर्म की बात है। आज देश में हो क्या रहा है, आज देश में मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, काला कानून थोपने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने और हमारे नेताओं ने इस देश को और प्रदेश को बनाने के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी है, और ये एक ऐसा बिल लाने जा रहे हैं जिसमें उनको भी अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है, दो व्यक्ति सिर्फ संविधान को बदलना चाहते हैं, युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, इनके जो ये मंसूबे हैं उनको कामयाब नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से जो देश के अंदर मुद्दे होने चाहिए थे, रोजगार के ऊपर बात करें, अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करें, महिला सुरक्षा के ऊपर बात करें, आज देश किस दिशा में जा रहा है, मंदी की मार झेल रहा है और देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं, तो उसको आई वॉश करने के लिए ये इस तरह का कानून लेकर आ रहे हैं। आप देखिए कि हमारे लोकतंत्र की क्या पहचान है, हमारे संविधान की क्या पहचान है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे प्रीएम्बल में लिखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सब है, और ये अपना ही संविधान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम इस लाठीचार्ज के विरोध में, इस CAB के विरोध में आज हम सड़कों पर उतरे हैं, और पूरे देश के अंदर आप देख रहे हो कि हर जगह यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सीनियर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। लोग CAB के अंदर, आप एक तो धर्म के आधार पर जो इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात की है, जो एक CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनने जा रहा है, उसमें गलत बात, आप एक बात देखिए, अगर जो भारत का नागरिक है तो नागरिक उसमें हिंदू है चाहे मुसलमान है, सिख है चाहे ईसाई है, सबको क्या मुस्लिम नेताओं ने इस देश को बनाने के लिए इस देश की आज़ादी में अपनी प्राणों की आहुति नहीं दी है? क्या उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? क्या सेना के अंदर उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, या प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर क्यों उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? क्यों उन्होंने सदन में इस तरह की बात की? आप वो कह रहे कि तीन देशों के अंदर जिन लोगों को सताया जा रहा है उनको
हम हिंदुस्तान में शरण देंगे, अफगानिस्तान में है चाहे बांग्लादेश में चाहे पाकिस्तान में। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप NRC इस देश के अंदर लाओगे, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप का पूरे देश के अंदर आप करना चाहोगे, जिन लोगों के पास आइडेंटिटी होगी उनको नागरिकता मिलेगी, और एक तरफ आप कह रहे कि जो बाहर से जो नागरिक आएंगे उनकी क्या आइडेंटिटी है, वो कैसे अपनी आइडेंटिटी देंगे कि हम हिंदुस्तान के नागरिक बन सकते हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये जो देश के अंदर जो माहौल है, जो विपरीत परिस्थितियां चली है, जो मुद्दों की राजनीति होती थी वो खत्म हो रही है सिर्फ आई वॉश करने के लिए। जब जब भी चुनाव होते हैं इसी तरह की ये जुमलेबाजी लाते हैं, लेकिन उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और देश में आज गृह युद्ध के हालात बन चुके हैं, उसके लिए हम सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए आज हमने नाहन से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के नाहन हेडक्वार्टर से भाई अजय सोलंकी जी के नेतृत्व में और NSV के प्रदेश अध्यक्ष चत्रा ठाकुर जी संयुक्त रूप से हमें लड़ाई हमने यहाँ से शुरू की है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।